नमस्कार, मैं राघविंद पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बारी है क्लास टेंथ के चैप्टर सेकंड द थीप्स स्टोरी की। ये कौन सी बुक से लिया गया है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो सप्लीमेंट्री बुक है उससे लिया गया है। इसमें एक चोर की कहानी है और अच्छी बात यह है कि इस कहानी से हमें एक सीख भी मिलती है, तो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो कंप्लीट नोट्स हैं जिसमें दोनों बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, आपकी पैसेज हैं, एक्सट्रैक्ट है, सब कुछ है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए और ख़रीद लीजिए। चलिए चोर की कहानी सुनते हैं। देखिए, एक 15 साल का लड़का है, इसका नाम है हरी सिंह। और हरी सिंह सिर्फ इस महीने नाम है, हर महीने नाम बदलता है। और नाम क्यों बदलता है आपको भी पता है, पुलिस से बचने के लिए, किसी को गुमराह करने के लिए नाम बदल देता है। तो चोर है नंबर वन। सेकेंड जो है करेक्टर, वो उसका नाम है अनिल। अनिल एक 25 साल का लड़का है और जो हरी सिंह है वो 15 साल का लड़का है। तो 25 साल का लड़का अनिल वो एक सज्जन लड़का है और पढ़ाई पे ध्यान देता है ना। पढ़ाई के साथ साथ वो क्या कर रहा है, कुछ काम भी कर रहा है। मैगजीन्स वगैरह होती है ना, उसमें आर्टिकल्स लिखते हैं, तो आर्टिकल्स लिखता है, उसके बदले उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, तो पॉकेट मनी चलती रहती है। हरी सिंह जो चोर है वो हर महीने हर दिन एक नए ग्राहक की तैयारी करता है कि कोई हमें मिल जाए जिसको मैं लूट लूँ। अब क्या हुआ, कुछ दिनों से उसको नहीं मिल रहा था कोई जिससे जिसको वो लूट ले, तो परेशान था, कहाँ जाऊँ। तो बढ़िया एक रेसलिंग का मैच चल रहा था, यानी कि दंगल चल रहा था। अब रेसलिंग का मैच चल रहा, भयंकर भीड़ है, घुस गया, कोई तो मिलेगा ग्राहक मेरा, घुस गया, देखा तो अनिल दिखाई दे गया, 25 साल का लड़का, यही सज्जन लग रहा है, इसी को लूटते हैं। गया उसी के बगल में मैच देखने लगा, वाह वाह वाह, मार 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 बोलने लगा। अनिल ने देखा उसे, ऐसे होगा, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको कॉम्प्लीमेंट करने लगा बीच बीच में, अरे वाह यार तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम नहीं कूद जाते मैदान में, कूद जाओ तुम भी लड़ लो तुम कूद जाओ, अनिल बोला। ऐसे आपस में थोड़ी बहुत बातें हुई, मैच खत्म हुआ तो अनिल जाने लगा तो पीछे से आवाज़ आती है, रोको रोको। हाँ बताइए, आप मुझे काम दे सकते हो क्या? बोला, काम तो नहीं दे सकते, मेरे पास तो देने के लिए पैसे नहीं है। अरे तो कुछ खाना तो दे सकते हो? बोला, खाना तो दे दूंगा लेकिन बना लेते हो तो चलो, मैं तो अकेला रहता हूँ, अगर आप बना सको तो चलो। हाँ मैं बना लूँगा, झूठ बोल गया नंबर वन, इसको बनाना नहीं आता था लेकिन झूठ बोल गया, क्या करें कुछ तो खाना है, चलो चलो। सीधे पहुँचे, अनिल रहता था एक जमुना स्वीट्स यानी कि मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर, तो वहाँ से गए भैया ऊपर चढ़े, देखा रूम, एक रूम था, आगे बालकनी थी, चलो बनाओ। बनाना शुरू किया, हरी सिंह को आता तो था नहीं, अब फंस गए, अरे यार जो तो बनवा ही रहा है, बना देते। बनाया, जैसा तैसा उल्टा सीधा बना के अनिल के पास पहुंचा, ये लीजिए। अनिल ने देखा, सब्जी है, उसने लेके कुत्ते को डाला, वो समझ गया, बैठो आप चुपचाप मैं बनाता हूँ, वो तो ये चाह ही रहा था, बनाओ बनाओ। बढ़िया उसने बनाया, खाना खिलाया, आनंद आ गया। आप मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ हाँ, एक काम करना पड़ेगा, बताओ बताओ। चाय बनानी पड़ेगी डेली? हाँ बना दूंगा ना। और डेली सब्जी वगैरह लेके आनी पड़ेगी, किराना का सामान जो घर की ज़रूरतें होती वो लेके आनी पड़ेगी? हाँ मैं तैयार हूँ, ऐसा कह के उसने परमानेंट उसे रख लिया। पैसा नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, खाने को तो मिल रहा है, उसने मन में सोचा। अब इसका काम चाय बनाना और सब्जी वगैरह लेके आना। अब सब्जी वगैरह किराने का सामान जो लेके आता था उसमें से वो चोर तो है ही, 1 रुपये बचा लेता था रोज, और अनिल को भी समझ में आ गया था ये बचा लेता, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। और इसके आनंद चल रहा है, वाह 1 रुपये भी आ रहा है, खाने को भी मिल रहा है, बढ़िया चल रहा है। उधर तैयारी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ग्राहक फंसे गई, और जिस दिन फंसा उस दिन छोड़ दूंगा अनिल का साथ। अनिल ने बोला, अगर आप तैयार हो तो मैं आपको पढ़ाना भी चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, सबसे पहले मैं आपको अल्फ़ाबेट बनाना सिखाऊंगा, ए कैसे बनता, आ कैसे बनता है, मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। हाँ हाँ, उसकी डेली ट्रेनिंग शुरू हो गई, बढ़िया उसको अल्फ़ाबेट सिखाने जाने लगा, और इस तरह से चलता रहा। उसको बढ़िया लग रहा था लेकिन संतुष्ट नहीं था, चोर तो चोर होता है, उसने सोचा यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ एकदम, जब तक अच्छा काम ना हो जाए, कोई चोरी वोरी ना हो जाए, तब तक कैसे अच्छा लगेगा। धीमे धीमे कुछ समय निकला और कुछ समय के बाद एक दिन अनिल आया अपने रूम पर। हरी सिंह, हाँ पता है आज मुझे, मैंने जो मैगजीन में आर्टिकल लिखा था उसके पैसे मिल गए हैं। अरे कितने? ये देखो 600 रुपये।
600 रुपये, 50-50 के खरे खरे नोट, और हरी सिंह का मन बहक गया। चोरी कैसे की जाए, कैसे भी करके इसको चोरी अगर मैं कर लूँ तो मज़ा आ जाए। तो वो वॉच करने लगा ये कहाँ रख रहा है। शाम का टाइम होगा, बढ़िया खाना खाना वाना खाया। अनिल तो बेपरवाह, उसे तो बिल्कुल शक नहीं था हरी सिंह पे। उसने लिया अपने तकिए के नीचे नोट रखे और सो गया। इसने पूरी प्लानिंग कर ली मन में हरी सिंह ने। 10:30 बजे ट्रेन आती है लखनऊ एक्सप्रेस, बैठूंगा सीधा भाग जाऊंगा वहां से। और इसने रात का एकदम अंधेरा था, रात हुई, अनिल सो गया था गहरी नींद में, गया और तकिए के नीचे से वो नोट निकाल लिया और जल्दी से रखकर टिक भागता चला गया। सीधे पहुंचा स्टेशन, स्टेशन पे ट्रेन आ रही थी और उसने सोचा टिकट, अरे हरी सिंह टिकट लेगा क्या, मन में सोचा मैं हरी सिंह हूँ। ट्रेन आई और बिल्कुल रुकी स्टेशन पे, चढ़ सकता था हरी सिंह, लेकिन पता नहीं क्या मन में बदलाव, पता नहीं कौन सा ऐसा बदलाव हुआ कि हरी सिंह नहीं चढ़ा। उसको अनिल की वो अच्छाइयाँ ध्यान आने लगी, अब मुझे पढ़ाएगा कौन, मुझे सिखाएगा कौन, कल सब्जी लेने कौन जाएगा, अनिल के लिए चाय कौन बनाएगा। आप समझ रहे हो, अच्छाइयों का साथ रहने से, मतलब अच्छा अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे ऊपर अच्छाइयों का प्रभाव पड़ता है। उसके पास, उसके अंदर अच्छाइयाँ कब हावी हो गई उसे पता नहीं चला। अब उसे समझ में आ रहा, वो नहीं चढ़ा, ट्रेन निकल गई, लौट के आया, वो तो निकल गया स्टेशन के बाहर। मन में चल रहा क्या होगा क्या होगा, जाके एक पटिया पर बैठ गया। बरसात का टाइम, नवंबर का महीना, बरसात नहीं मतलब ठंड का टाइम था, तो थोड़ा समझ लो वहाँ कोहरा कोहरा तो रहते ही है। बैठ गया एक पटिया पर बस स्टैंड से निकलते हुए। अब सोचने लगा कि मतलब मैं कितना गलत करने जा रहा हूँ, अब मुझे कोई पढ़ाएगा नहीं, बहुत सारे उसके दिमाग में थॉट्स आए। और सीधा उसने सोचा अब जो होगा सो देखा जाएगा, पहुँचता हूँ मैं तो, और बिल्कुल अनिल जग रहा होगा तो पिट लेंगे, क्या करना। चुपचाप पहुंचा जिमना स्वीट्स के ऊपर, देखा तो अनिल सो रहा था, सो रहा था। उसने कहा बहुत बढ़िया हुआ, उसने लिया और भाई उसी तकिए के नीचे गड्डी पैसे रखे और जाके बालकनी में सो गया। सुबह हुई, अब तो रात भर तो चक्कर गिन नहीं रहे, इधर उधर परेशान होते रहे, तो कहाँ से नींद खुलती, सुबह नींद नहीं खुली। अनिल जग गया, उसने देखा हरी सिंह जगह नहीं है, उसने बढ़िया चाय बनाई हरी सिंह के लिए, वैसे चाय बनाने का काम हरी सिंह का था। हरी सिंह, हाँ, उसने कही आज रात में पकड़ गया हम तो, डर डर तो डर होता है, हाँ चाय पी लो। अच्छा चलो चलो, बच गए। आया चाय पीने लगा। हरी सिंह मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, और कल भी मैंने कुछ कमाई की थी, आज भी कमाई की है, तो मैं तुम्हें 50 रुपये परमानेंट दिया करूँगा। उसने लिया और एक गड्डी में से एक नोट निकाला और हरी सिंह को दे दिया। हरी सिंह का दिल पिघल गया, उसने कहा इसको मैं ठग रहा था, इस सज्जन व्यक्ति को मैं चोरी कर रहा था, ये अपने आप मुझे दे रहा है, मेरा परमानेंट काम हो रहा है, 50 रुपये मेरे मतलब बन रहे हैं। ये देख के हरी सिंह का दिल पिघल गया और उसने सोचा कि आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। स्टोरी समझ में आ गई होगी, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अगर आपको आप अगर आप क्लास 10th में हो कर लो सब्सक्राइब, बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, गजब कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।